कोकिला कोकिला कोकिला, तू तो जानती है कि मैं रंगमंच की बहुत पुरानी अदाकारा हूं और मेरा अभी नहीं ऐसा होता कि दुनिया को पता ही नहीं चल जाता कि मैं कब अभिनय करती हूँ और कब असली जिंदगी जी रही हूँ। गौरा, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। वही जो तू सुन रही है, रंग देवता और अंबे माँ की असीम कृपा रही है मुझ पे कि हमेशा मुझे एक से बढ़कर एक किरदार निभाने को मिले, और असली जिंदगी में भी मैंने जो चाहा उससे हमेशा मुझे दुगना मिला। अब तेरी पोती की बात ले लो, मैंने तो बस एक ही पोती चाही थी अपने घर की बहू बनाने के लिए, लेकिन माता जी ने मुझे एक पोती के ऊपर एक पोती फ्री दे दी। कमाल है, बाय एक गेट एक फ्री फ्री फ्री। ये क्या बकवास कर रही हो तुम गौरा? ए कोकिला मोदी, आवाज नीचे। तू ये मत भूल कि तू तेरी पोतियों के सासरे में खड़ी है। पोतियों के? तुम कहना क्या चाहती हो? आप लोग सब इस वक्त यहाँ? श्रवण जी। अरे श्रवणिया, जी ये तो वही है। आ भी गया तू? आओ आओ आओ, दुर्गा देवी पधारो पधारो, भले पधार्या भले पधार्या। चल छटंकी, इनसे मिल। ये है श्रवण की माँ और तेरी समधन। वैसे कोयली, तेरी दोनों पोतियों के साथ बड़ा खास रिश्ता है इसका। तेरी एक पोती इसकी बहू लगती है और दूसरी पोती इसकी सौतन। भाई मैंने एक प्रस्ताव रखा था। एक रास्ता है जिससे तू मेरे घर की बहू बन सकती है। कौन सा? तू मेरे धर्म से शादी कर ले। दिमाग तो ठिकाने है ना आपके? पहले इस रिश्ते को समझ। तू अगर मेरे बेटे धर्म से शादी करेगी तो तू विद्या की सास बन जाएगी। तेरी हर बात मानने के लिए तेरी बहन सर झुकाए खड़ी रहेगी। समझ के जवाब दे।
पर मारा लगन उस पागल सरफिरी मीरा के साथ करने की आप सोच भी कैसे सकती हैं? मेरी बेटी की उम्र की है। मुझे पता है, लेकिन ये सब कुछ मैंने सोच समझ के किया है। इस शादी से हम दिल दिल खोल के कोयले से बदला ले सकेंगे। ठीक है, आपका प्लान मुझे मंजूर। बता छोकरी, तुझे मेरा प्रस्ताव मंजूर है या नहीं? मंजूर। मैंने ही शादी के दिन विद्या को घूंघट में रहने को कहा था। मैं चुपके से तेरी शादी में आके तुझे देख लूंगी, पर प्लीज अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। पर दे विद्या, ट्राई ना अंडरस्टैंड, मुझे अपनी और इंसल्ट नहीं करवानी है। आई एम श्योर कि तू बहुत सुंदर लग रही होगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुझे नजर लग जाए किसी की। ऐसा कर, तू ना घूंघट ओढ़ ले। शादी के दिन गौरावाजी के बैग में सामान की जगह मैं थी। और मैंने उसी रात धर्म जी से जाकर शादी कर ली। चल, अरे सबसे पहचान करवाती हूँ ताकि तुझे भी पता चले कि ये तेरे कौन से रिश्तेदार है। ये है तेरी नवी नक्कोर बहू, तेरे श्रवणिया की बीवी। ये है तेरी नई नवेली सौतर। और ये है तेरे वेवाण और वेवई, अहम मोदी और गोपी मोदी। और ये है तुम्हारे बेटे की दादी सा, यानी कि तुम्हारी बड़ी समदन। शरीर में भी बड़ी और रिश्ते में भी बड़ी। और ये है तुम्हारी बहू के काका जिगर मोदी। वैसे तुम्हारी बहू का जो रिश्ता है इनसे, वही तुम्हारी सौतन का भी है। वो क्या कहते हैं, वो टू इन वन। वो बीच है, मेरे दिए हुए संस्कार भूल गए? चल जा। बाजी, अब ये सब क्या करवा रही हैं? मार, रुक जाइए। जय श्री कृष्ण।
जी। प्लीज मेरे पैर मत छुइए। फना मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। मेरी माँ से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी माँ सबसे मिलना चाहती है तो मिलने दे सबसे। वैसे भी उसकी बहू और उसके सौतन दोनों के सगे वाले एक ही है, तो फटाफट हो जाएगा सब कुछ। ये क्या कर रही हैं आप? श्रवण जी, श्रवण जी, ये सब क्या है? ये क्या बोल रहे हैं सब? विद्या जी, मैं आपको सब कुछ बाद में शांति से। बाद में? अरे अभी क्या और बाद में क्या? बेटा ये तेरी माँ है तो है। ऐसे मत देख, श्रवणिया ने तेको कुछ नहीं बताया? अरे श्रवण ने ही तो शर्त रखी थी, अगर वो तुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाता है तो मैं उसकी परम पूज्य माता दुर्गा देवी को इस घर में आने की अनुमति दे दूंगी। श्रवण ने खुद ये शर्त रखी थी, और देखो हम दादी और पोते ने दोनों ने अपना अपना वादा निभाया। श्रवण जी, ये जो कह रही है क्या वो सच है? क्या सच में आपने ऐसी कोई शर्त लगाई थी? बोलिए, आप अपनी माँ से मिल सके, उन्हें इस घर में वापस ला सके, इसलिए मुझसे शादी की थी? विद्या जी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, बाजी ने कहा था कि अगर मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी के लिए राजी हो जाऊंगा तभी वो मेरी माँ को घर में आने देंगे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।